प्रबंधन को लेकर ये इवेंट हमारा हो रहा है। जैसे कि हम और आप दोनों ही गर्मी के सीजन में पानी की समस्याओं से रूबरू होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका में रहते हैं, हम प्रिंट मीडिया की भूमिका में रहते हैं, तो हर जगह से ये शिकायत आती है कि पानी की कमी जो है वो कमोबेश हर जगह देखी जाती है। इस मरतबा तो ये हुआ है कि शहर हमीरपुर शहर भी पानी के लिए चीखा है। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए और फील्ड में जब ये सारी समस्याओं को हमने जाना तो हमें ये लगा कि हमें इस पे कोई वर्कशॉप करनी चाहिए। विभाग से बात हुई, विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हुई, यहाँ तक कि जो विभाग के चीफ इंजीनियर यहाँ आर.के. महाजन जी हैं उनसे जब बात हुई तो हमने पाया कि कहीं ना कहीं इस समस्या के लिए विभाग ही दोषी नहीं है और सरकार के प्रयासों को भी कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। इस समस्या के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव जो है वो भी कहीं दोषी है, क्योंकि जल और पेयजल में क्या अंतर है इसके लिए ना कभी कोई जागरूकता की बात हुई है और ना ही कभी कोई इस पर कोई वर्कशॉप हुई है। तो ये सारा जब मंथन हुआ तो इससे ये निकला कि अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जल बनाया नहीं जा सकता है, जल सिर्फ बचाया जा सकता है। जल है तो कल है और जल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। पानी जो है वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसी सारे विचार को देखते हुए अधिकारियों और सरकार से सामंजस्य जब हमारा बना तो हमें लगा कि इस पर जो है जागरूकता अभियान शुरू कीजिए किया जाए। इसको लेके हमारे जो स्टेट ब्यूरो इंचार्ज हैं मिस्टर राजेश मंडोत्रा, उनसे जब चर्चा हुई तो ये हमने दस्तक के प्रबंधन से सारी बातचीत की है, तो प्रबंधन ने इस पे हामी भर दी और फिर हमने माननीय IPH मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी के सामने ये प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण मानते हुए हामी भरी है और उन्हीं के सुझाव पर ये हमीरपुर से जो है ये जल जागरण के लिए, जो जल प्रबंधन के जागरण के लिए, जो एक जागरूकता के लिए जो एक वर्कशॉप होगी वो यहाँ से शुरू हो रही है। इसमें हम 239 पंचायतों के प्रतिनिधियों और नगर परिषद के जन प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी है कि जो आम आदमी की समस्याओं से रूबरू होती है। और इस सब में एच टुडे की टीम का भी हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, क्योंकि आपने जो एक फील्ड से जो रिपोर्टिंग स्टीक की है उसके आधार पर भी हमने ये पाया है कि समस्या जो है वो एक जगह नहीं है, इसलिए इसकी जागरूकता अभियान जो है बहुत ज़रूरी है। कमोवेश आप जब दुर्गम क्षेत्रों से दूर गांवों से आप जब ये रिपोर्ट लेके आते हैं तो वो रिपोर्ट को भी जब हमने ध्यान से स्टडी किया तो कमोवेश हम दोनों की हमें लगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं और इन समस्याओं का समाधान मीडिया जो है वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े उसके मद्देनज़र हमने ये पहल की है। और ये इवेंट कल बचत भवन में होगा, इसके लिए तमाम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों प्रधानों को हमने निमंत्रण भेजे हैं, जिनको नहीं मिले हैं वो एच टूडे के माध्यम से भी मैं उनको निमंत्रित करता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण ये वर्कशॉप है और इस पे पहुँचे। धन्यवाद।